सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा में श्री ध्यानपुर पीठाधीश्वर गद्दी नशीन महंत राम सुंदर दास महाराज जी के आशीर्वाद से सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा के महामंडलेश्वर 1008 महंत केशव दास महाराज के पावन सानिध्य में सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जयंती और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय दिव्य गोकथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जयंती विधिवत पूजन कर मनाई गई। इसके बाद करवाए गए हवन यज्ञ में मुख्य यजमान पूर्व पार्षद दीपक शारदा, पंकज मल्होत्रा, अशोक वर्मानी, पूर्व पार्षद जसपाल कौर भाटिया, सुमन मल्होत्रा ने आहुतियाँ डलवाईं, जिसके बाद कथावाचक गोभक्त चंद्रकांत ने कहा कि गाय की सेवा से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। इसके उपरांत महामंडलेश्वर 1008 महंत केशव दास महाराज ने गो सेवा का महत्व बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति गो सेवा करता है, गो माता उसके पापों को अपनी सांस के जरिए खींच लेती है और उस व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिलती है। गाय जिस स्थान पर बैठती है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। इस मौके पर सेवादार धर्मपाल अरोड़ा, अभिषेक लूथरा, करणबाली, चिराग वर्मा, वरुण वर्मा, जतिन वर्मा, केशव दमन नगीना, अमन नगीना, चाहत कुमार व मनन वर्मा शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। संसार में एक गौ है जो व्यक्ति का विराट है, जो सदा नीरा है, गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है, उद्गम स्मित है, रुदन है, प्रण है, प्राण है, उत्स है, उत्साह है, और वो प्रभु का साक्षात ब्रह्मा जी का प्रकाश पुंज है। उसके अंदर आप रह सकते हो जाके, सभी देवता खुश हो गए, सभी देवी देवताओं को बुला लिया, जैसे आप लोग बैठे हो ना ऐसे बैठे, गैया मैया इधर है, ब्रह्मा जी इधर है, और कहा दिया क्या, जाओ जहां जहां जिसने रहना है निवास करो। तो मानस की चौपाई क्या कहती है, रोम रोम कर बैठे ताना, धन धेनु सब गई बखाना, सभी देवी देवता गौ माता के रोम रोम में घर बना करके बैठ गए और गौ माता को कह रहे, हे माँ तुम धन्य हो, हे माँ तुम धन्य हो, तुमने हमें स्थान दिया। सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता गौ माता के रोम रोम में विराजित हो गए। लेकिन यही एक घटना घटी है, क्या घटना घटी है, रमा गंगा दोई हो विलंबु कर ही विचार कावलंबु। रमा यानी लक्ष्मी, गंग यानी गंगा, ये दोनों लेट हो गई। क्या हो गया, सभी देवी देवता स्थापित हो गए, घर घर बना के बैठ गए, रमा यानी लक्ष्मी, गंग यानी गंगा, इनको लेट हो। अब ये विचार कर रहे हैं, क्या हमसे देरी क्यों हो गई, हम लेट क्यों हो गए, दुखी हो रही है। आप तो बहुत ही सुंदर सुंदर व्याख्या के साथ गौ माता के ऊपर गौ गोपाल कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है और मन करता है सुनते जाइए सुनते जाइए, इतना आनंद आ रहा है। लेकिन समय जो है बार बार दिशा निर्देश कर रहा है कि समय हो गया है, समय के पाबंदी में रहते हुए हम सब ने कथा रोज श्रवण करना है। आज 3 दिन हो गया, कल 14 दिन है, परसों बसंत पंचमी है, भंडारा हो जाएगा, इसलिए आप सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और समय से आओ। आज सभी ने बहुत लेट से आए कथा सुनने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और 3 बजे जो है आने का कृपा करो आप सभी। दूसरा, क्या 40 साल से सत्संग सम्मेलन राम कथा भागवत कथा यहाँ पर आप सुना करते हैं, पूज्य गुरुदेव महाराज जी, यह 40 साल हो गया अपना चलते हुए, महाराज जी सुनाया करते थे कि सबसे पहले जब यहाँ पर सत्संग शुरू करना था, सम्मेलन शुरू करना था,
कुमार डॉक्टर पूरन दास जी महाराज स्वागत है जम्मू वाले श्री गंगा दास जी महाराज आपको याद देता हूँ। सब सन्यासी महात्मा लोग को बड़े बड़े सम्मेलन करवाते हैं लेकिन